इस वक्त हमारे साथ पंजाब कांग्रेस के प्रधान राजा वडिंग जी हैं। राजा जी, आज एक बड़ा दिन था जब आपने एक बड़ी शख्सियत को पार्टी में ज्वाइन कराया। बिल्कुल जी, एक बहुत ही होनहार व्यक्ति, नहायत शरीफ, मैं समझता हूँ कि जिनका पूरा पंजाब के अंदर एक बहुत अच्छी छवि है, ना कि जिस प्रकार के बीजेपी के लोग इधर उधर से शामिल कर रहे हैं, अच्छी छवि वाले व्यक्ति जिनको पंजाब के लोग पसंद करते हैं, ऐसे व्यक्ति धर्मवीर गांधी को, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने अपनी पूरी पार्टी मर्ज की है कांग्रेस पार्टी के साथ। इससे कितनी मजबूत हो, क्या पटियाला से चुनाव लड़वाने जा रहे हैं? देखो, मेरे को लगता है कि धीरे धीरे इस प्रकार से ही लोगों का, आप लोग कहने लगे हैं कि आम आदमी पार्टी से लोग आए, पहले वो कांग्रेस से आम आदमी पे गए, 6 महीनों में वो बीजेपी का हाथ थाम लिया, अब उन बीजेपी ने टिकट दे दिया। ऐसी लोग जो हमारे साथ थे इधर उधर उधर चले गए, साथ के साथ उनका टिकट अनाउंस हो गया। इस प्रकार से दोनों के संगठनों में बहुत बड़ी हलचल है, निचले स्तर पर नाराजगी है। तो हम क्वांटिटी नहीं लेके आ रहे, हम क्वालिटी लेके आ रहे हैं। वी डोंट नीड अ क्वांटिटी, क्वांटिटी तो बहुत पड़ी है, उन लोगों को बहुत से नकारा है, आज उनको हार का डर सता रहा है। तो हम क्वालिटी लोग लेके आ रहे हैं, जैसे धर्मवीर गांधी जैसे जो सोशल वर्कर हैं, जिनको लोग पसंद करते हैं। आज पूछ लीजिए पूरे पंजाब के अंदर, दे विल से कि ये अच्छा कार्य और कदम किया है। तो मेरे को लगता है कि इससे मेरे को पार्टी की छवि भी मजबूत होती है और पार्टी भी मजबूत होती है। बीजेपी के प्रधान सुनील जाखड़ कह रहे हैं अभी तो बहुत लंबी फेरिस्त है, आप देखते जाइए, लगातार वहाँ से लोग आते जाएंगे। ऐसे में आप भी लेके जा रहे हैं, रवनीत बिट्टू यहाँ से गए, अब जाखड़ साहब को ये पूछ लेना कौन सी फेरी है, क्या उनको पता है उसका फेरी कौन सी है, कितने लोग हैं, उनको क्या पता है? बिट्टू का पता था, अध्यक्ष को नहीं पता था कि बिट्टू ज्वाइन कर रहा है, सीधा होम मिनिस्ट्री के साथ तारें जुड़ी हुई हैं, उनको तो बुलाया जाता है कि भैया आ जाओ। तो आप देख लेना, मेरे को लगता है कि कल जा परसों जा नरसों जिस प्रकार से टिकटें बांटी हैं, अंदर ही अंदर बहुत बड़ी नाराजगी है। श्रीनिवासरु जी जो संगठन मंत्री हैं वो कुछ और कहते हैं, सुनील जाखड़ जी और कहते हैं, तो बहुत सारा ऐसा एक अंदर ही अंदर एक बहुत लड़ाई चल रही है। बिट्टू के जाने का कोई नुकसान कांग्रेस पार्टी? नुकसान क्या होता है? नुकसान बिट्टू का हुआ है, कांग्रेस का नहीं हुआ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो सीनियर आदमी था, अच्छा हमारा भाई था, बेंत सिंह जी का एक चिराग के रूप में था, रणजी की सफेद पगड़ी थी, उस भीड़ में खो गया बिट्टू। मेरे को इस बात का ऐतराज है, जो भीड़ थी उसमें खो गया है, आदमी अकेले चलता नजर आता है। एक आखिरी सवाल, चुनाव को लेकर क्या तैयारी, स्क्रीनिंग कमेटी कब, सीसी तो कब और कैंडिडेट? जल्दी स्क्रीनिंग होगी, जल्दी कैंडिडेट होगी, पता भी नहीं चलेगा कब लिस्ट के। अच्छी तैयारी है, ऑलमोस्ट बैठ के डिस्कशन हो गया है, एक स्क्रीनिंग फॉर्मली होगी और उसी दिन सीसी और कैंडिडेट अनाउंस कर दी जाएगी। कल स्क्रीनिंग की बात हो सकती है, सीसी 4 तारीख में, ये मेरे को पता नहीं है, अभी सीसी के बारे में मेरे को पता नहीं है कि कब रखी है, इसके बारे में कुछ जानते हैं। साफ तौर से राजा वडिंग पंजाब कांग्रेस के प्रधान, जिनका कहना है कि बहुत अच्छी तैयारी है लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की, और जल्द ही कल संभवतः कांग्रेस की स्क्रीनिंग पंजाब को लेकर होगी, जिसके बाद आने वाले दिनों में उम्मीदवारों का ऐलान सीसी की बैठक के बाद होगा। कैमरन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा दिल्ली। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।